हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम होगा वसीम शबाना ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है 4:30 बजे। पता थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं नमाज वमाज पढ़ी और सो गई थी। आँख ही नहीं खुली मेरी, जस्ट अब भी मेरी आँख खुली और 4:30 हो गया है। तो फटाफट असलम के अब्बा गए हैं नीचे मेरे लिए दही लाने के लिए, और दही लाने गए हैं और भाभी के घर से रोटी लेने के लिए गए हैं। फिर अभी लाएंगे तो मैं फटाफट खाऊंगी और सैरी करूंगी। और आप सभी को दूसरी शहरी मुबारक हो। मुझे तो लेट हो गया है पर ज़्यादा, क्योंकि सोची थी कि कर लूँगी फटाफट पर सो गई पढ़ के मैं। चलो हो गया अभी लेट, कोई नहीं, फटाफट मैं कर लूँगी अभी शहरी गह लेने के लिए। अभी फटाफट आ जाएंगे तो मेरी अभी शहरी भी हो जाएगी। फिर हम सीधा मिलेंगे शहरी करने के बाद। फटाफट शहरी करना है, फिर शहरी करने के बाद नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद में सोऊंगी। तो मेरी शहरी की तैयारी हो गई है, दाल अंडा रोटी, और मैंने मंगाई हूँ अपने लिए दही खाने के लिए। मस्त, तो मैं जा रही हूँ शहरी करने के लिए। आप लोग भी आ जाओ फटाफट शहरी करने। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम हो गया वसीम शबाना ब्लॉग में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे और आ जाइए दूसरा आज दूसरी शहरी करने के लिए। तो शबाना ने जैसे कि सब लेके आइए, मस्त एकदम फटाफट खाते पीते और रोजा रखते। तो हम लोग की दोपहर भी हो चुकी है, नमाज वमाज पढ़ के हो गया है। शबाना पढ़ रही है अभी नमाज। और हसनैन कहाँ जाने का? हसनैन तुमको बत्ती में जाने का है? मेरे बेटे को बत्ती में जाने का। तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मट्टी में खिला के लेके आ जाता हूँ। इतने धूप में बोल रहा है उसको हसनैन, मत जा मत जा, तो भी बोलता है कि चलूँगा चलूँगा, है ना हसनैन? तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा मट्टी में घुमा के फिर लेके आता हूँ, फिर मिलते हैं हम। क्या कर रहे हो? खड्डा खोद रहे? तुम्हारा दांत दिखाओ अभी। अरे कितना मुँह अभी भी सूजा हुआ है हसनैन, दिखाओ इधर, कमी नहीं हो रहा इसका सूजन। बैठ जाओ आराम से खेलो, तो पत्थर से खेल रहे। हाँ तुम खेलो बेटा। तो आतिफ खेल रहा है, मैं हसनैन को लेके आ गया मट्टी में से, और साला बहुत थका दिया। बाप रे बाप, आ रहा है सिंह घर पे, गुस्सा दिलाता। देखो हसनैन सलाम कर दो। अच्छा सलाम कर दो, नहीं करोगे? तुम्हारा दांत दिखा दो चुन्नू। और शबाना दे दिए उसको थोड़ा सा उबला हुआ चना। चना खाएंगे, मेरे बेटे को दिमाग आएगा, एकदम पास चलेगा, ठीक है? चना खाते और चना फिर भुर भुरा के चना निकाल। चलो ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 4:30 और तैयारी भी करना है अफ्तारी की फटाफट। शबाना आज चलोगी आज भी नगर? नहीं नहीं आज मैं घर पे भजिया बनाने का देखो। अच्छा घर पे भजिया बनाओगी आज, ठीक है। और आप सभी को मेरे से या शबाना से, ठीक है, मेरे से या शबाना से हम दोनों से बात करनी है। तो डिप्रेशन में मेरा नंबर है। डिप्रेशन बोल रहा क्या होता उसको? अरे डिप्रेशन क्या होता उसको? डिप्रेशन। अरे कुछ भी, डिप्रेशन में ही नंबर है। डिप्रेशन में नंबर नहीं है, डिप्रेशन में मेरा इंस्टा आईडी है वसीम शबाना 18। तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे प्लीज मैसेज करिए, हम लोग आप लोग को रिप्लाई देंगे जरूर इंशा अल्लाह। अब से बजे ठीक है, बोलो सवाल। और क्या बोलते हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोग के लिए, तो हम लोग हाजिर है, ठीक है। हाँ तो चलो जा रहे हैं, फोन लेके मैं भी अपना अभी नमाज वमाज पढ़ी, आप खाना खिलाई, जा रही तैयारी करूंगी। आज सोच रही हूँ केक काटने की मुझे बनाओ। चलो ठीक है बना दो, थोड़ा हाथ दुख रहा है, तो चलिए मिलते हैं हम अफ्तारी के टाइम। ठीक है शबाना भी आ गई है, और छोटू कितनी मजा आई ना अफ्तारी लेने। भाई हम लोग सब आजमी नगर घूम रहे थे। भाभी क्या बना रहे? तो ये रही हमारी अफ्तारी आज की पूरी रेडी, और ये किरकिरा रहा है, किरकिरा रहा है। ऐसे टाइम पे कोई किरकिरी करता ना तो बहुत एडिटिंग फील होता है। चुप हो जा मेरी जान। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी सब पूरी अफ्तारी आ चुकी है,
बाबा। और छोटू मांग रहा है दुआ हम लोग के लिए भी सबके लिए भी। तो देखो आतिफ झुन्नू मुन्नू के साथ में खेल रहा है। आ तो मम्मी। हाँ आतिफ तो मेरा रोजा खोल के हो गया और मैं आई हूँ भाभी के घर पे। भाभी बोले अकेला वहाँ क्या बनाएगी, अकेले के लिए यहीं आ जाओ, तो हम सब यहीं आ गए समझो। आज हमारी दावत ही थी अफ्तारी की और दोपहर में मेरी तबीयत भी खराब हो गई, इसलिए मैंने कुछ बनाई बनाई भी नहीं थी। तो समझदार को इशारे ही काफ़ी है, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कल से रोज़ा नहीं रखने वाली हूँ। तो मैं बोली यार खाना वाना तो मैं दोपहर में बना ली थी दाल चावल, कि शाम में कुछ बना दूँगी भजिया वगैरह, पर हो गई तबीयत खराब। अभी क्या है, तो हम यहाँ अफ्तारी से निकल के बैठे हैं और यहाँ भाभी देखो बस कर रहे हैं, बच्चे लोग अपना खा रहे हैं। हसनैन के अब्बा गए नमाज़ पढ़ने, मैं तो नहीं पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ भाभी के पास में, टाइम पास करते गप्पे मारते। नो मैं बोल रही हूँ ना, क्या खा रहे हो, कौन लाया? अरे भले अब्बा ले, क्या है खिला दो भले अब्बा को, बोलो। मुर्गी का पीस नहीं है, कौवे का पीस है। तो यहाँ पे हम लोग की थोड़ी सी पार्टी चालू है, रात में भाभी को मन किया चिकन पीस खाने का। फोन कर छोटू को, छोटू अभी भाग के आएगा ना तुम्हारा, छोटू से बात कर ले। चिकन खाएगा, लेके आऊँ मैं, क्या लेके आऊँ? हाँ लेकर आओ तो खा लो, लेकिन रोजा लग गया क्या? ठीक है आता, थोड़ी में लेके आता। हाँ जागे लेना, अरे दरवाजा खुला रखना, मालूम पड़ा उस दिन ठोक रहा छोटू, छोटू छोड़ ही नहीं रहा दरवाजा, बहुत खतरनाक सोता है वो भी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग घर पे आ चुके हैं और आतिफ देखो क्या कर रहा है। आतिफ अपने घर का मुआयना कर रहा है और हसनैन फ्रूटी पी रहा है। हसनैन फ्रूटी पी रहे हो? ठीक है पी लो। हाँ हरा वटाना लेके आया मेरे बेटे ने, हरा वटाना खाएगा। तो रात के बज रहे हैं 12:30 और फटाफट हमें सोना है, इंशाल्लाह अब जब इधर शहरी में भी उठना है, इसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं सोने के लिए फटाफट। और कैसा बना, अभी फटाफट एंड करो, अब सो जाते हैं। ठीक है तो हम आ गए भाभी के घर पे से और मस्त इंजॉय किए, खाए पिए अच्छे से, मस्त आ गए अभी घर पे। अभी थोड़ा फ्रेश व्रेश हुई, अब जा रही हूँ थोड़ा सा खाना खाऊंगी, दवा खाऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे अभी थोड़ा सर में दर्द चालू हो रहा है। मैंने ना इसीलिए बता दी कि मेरी दोपहर में ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब मैं कल से रोज़ा नहीं रख पाऊँगी, नमाज भी नहीं पढ़ पाऊँगी। मैंने फिर असर की नमाज से ही मैंने फिर नमाज मस्त कुछ नहीं कम्प्लीट कर पाई, तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। अब अच्छा नहीं लगता ना कि दिखावे के लिए करो कि अरे मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, मैंने रोज़ा रखा है, मैं सहरी करने जा रही हूँ। अब तबीयत ठीक नहीं है, ये हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा कि खाली फोकट का पीछे खाओ और कैमरे में आके दिखाओ कि हम रोज़ा है, तो ये सब चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने आप लोग को सीधा साफ क्लियर कर दी। क्या हो बेटा, बहुत
बहुत परेशान करता आतिफ, सही में तू बहुत परेशान करता उसको। नहीं मेरा बच्चा, मैं तुमको दे उठा कर देती हूँ, ठीक है? इसलिए जो था मैंने क्लियर कर दी। अब देखो जब मेरी तबीयत अच्छी से हो, ठीक हो जाएगी, फिर मैं इसके बाद में इंशाल्लाह रोज़ा आगे से रखूँगी। इसलिए मैंने अभी ही क्लियर कर दी कि कल से मैं रोज़ा नहीं रखने ली। जो भी रोज़ जैसी ज़िंदगी जी रहे थे, दोपहर में खाना, रात में खाना, और जो हमारा रोज़ का रूटीन, वही मैं दिखा पाऊँगी। अब रोज़ा नहीं हूँ तो मैं कुछ बनाऊँगी भी नहीं ज़्यादा कुछ ऐसा, और इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ना। अभी तो ये भी नहीं बोल सकते कि मैं अभी शहरी में उठूँगी। नहीं उठूँगी भाई शहरी में, क्यों उठूँगी, क्या करने उठूँगी? जब रोज़ा रखूँगी नहीं तो क्या करने उठूँगी, है ना? और भाभी को भी पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर बोले वहाँ क्या बनाएगी अकेले ही, हाँ दो जन के लिए अभी क्या बनाएगी, एक काम कर यहीं से रोज़ा खोल ले हमारे साथ में, अब्बा छोटू सब इधर ही खोल रहे हैं, तू भी आ जा। तो फिर मैं भी उधर चली गई, मस्त खाए पिए, इंजॉय किए, मस्ती किए, आ गए अपने घर। उसका पूरा चना उसने फैला दिया आतिफ ने, दे रही उन्हीं को उठाकर। क्यों परेशान करते बेटा तुम भाई को, देखो कितना परेशान करते। मेरे बच्चे ने चना लेकर आया था 5 रुपए का खाने के लिए, और ये गंदा लड़का मेरे बच्चे का पूरा चना फैला दिया, है ना मेरा बेटा? ये तुमको परेशान करता है, तंग करता है तुमको, उसको उठा के कचरे में फेंक दू, कचरे में फेंक दू आतिफ भाई को? पक्का? पक्का। अल्लाह। अच्छा स्नेह, तुमको ईद में क्या चाहिए? ईद में क्या तुम्हारे लिए लेके आओ? पैंट शर्ट के कुर्ता पैजामा? हाँ। क्या लेके आओ मेरे को, क्या लेके आओ बेटा? कुर्ता पैजामा लेके आऊ के पैंट शर्ट? पैंट शर्ट पैजामा। तुतला पैजामा, तुतला पैजामा पैंट। अभी कलर पूछती हूँ कौन सा चाहिए, कलर बताता है। देखो बेटा कौन सा कलर चाहिए? पिंक कलर। और तुरते था येलो, येलो कलर, तुलता येलो कलर, है ना? ये तो मेरा सोना का बच्चा है बाबा, ये मेरा राज दुलारा है, तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं सब, एक एक जगह से पूरा गोश्त नोचते हैं बैठ के। क्या हुआ बेटा? ये देखो, ये मेरे आतिफ के लिए मैं लाऊंगा तुलता पैदाना, तुलता। अभी मैं 2-3 दिन पहले इसको पूछी थी, मैं बोली बेटा आपको क्या चाहिए ईद में, क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, कुर्ता पैजामा के पैंट शर्ट? तो बोलता है तुलता पैजामा ब्लैक कलर, घड़ी ब्लैक कलर, जूता ब्लू कलर, तुलता पैजामा। हसन क्या हुआ, तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तुलता पैजामा की पैंट शर्ट? कुछ भी नहीं। चलो इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है। तो हमारा खाना पीना सब हो गया है, हम भाई के घर पे से भी आ गए थे, और बहुत लोगों का कमेंट था कि आपका एड्रेस दो, आप कहाँ रहते हो, बहुत लोग ने एड्रेस मांगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी इंस्टा आईडी है wasimshabana18, आप मुझे वहाँ आके मैसेज करो, मैं वहाँ आपको अपना एड्रेस दूंगी, और आपको मेरे से जो भी बात करनी है आप मेरे को इंस्टा आईडी पे वॉइस मैसेज करो, मैं वहाँ आपका आप लोग को जवाब दूंगी। और बच्चे हसनैन के अब्बा तो सो गए ये देखो बच्चे हसनैन सब सो गए हैं, मैं जग रही हूँ क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैंने अभी खाना वाना खा के दवा ववा खाई मैं बैठी थी। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा ज़रूर बताना, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब घंटा बड़े दबाना गाइस मत भूलना, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फुल प्यार सपोर्ट दीजिए, और हम जिसको भी बात करना है आप मुझे इंस्टा आईडी पे जाके फटाफट मैसेज करिए। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।